गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे मैंने बोला था कि मैं कॉल सर्फिंग कर रहा हूँ और मेरे होस्ट यहाँ रुका हुआ था। मेरे होस्ट चाहते नहीं थे कि मैं वो शूट करूँ या फिर वो कैमरा में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए मैं घर पर कुछ शूट नहीं कर पाया। तो आज का प्लान ये होगा, आज हम जाने वाले हैं कमलापुर, जो कि है 12 किलोमीटर की दूरी पे हसपेट से। कमलापुर एक ऐसी सुंदर जगह है, जैसे आप कह सकते हैं मैसूर के बाद तो श्रीरंगपट्टनम हिस्टोरिकल टाउन, तो कमलापुर में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स है वहाँ पर। तो आज का हमने ये सोचा है, प्लान किया है कि आज हम लोग कमलापुर को डिस्कवर करेंगे, कमलापुर को एक्सप्लोर करेंगे। जो प्लेसेस काफ़ी लोग जाते हैं या काफ़ी लोग नहीं जाते, काफ़ी मायने इंपॉर्टेंस रखते हैं उन प्लेसेस की, तो आज हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो 12 किलोमीटर दूरी है, तो तकरीबन लग जाएगा आपको 20 से 25 मिनट पहुँचने में। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं कमलापुर थोड़ी देर में। जैसे हम लोग कमलापुर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, तब तक बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन मॉन्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं। तीसरा नीचे सबसे है रंगा टेंपल, उसके ऊपर एलिफेंट स्टेबल और उसके ऊपर है लोटस महल। तो यहाँ पे साइन बोर्ड पे देख सकते हैं आप सारे शुल्क और आपको एडमिशन फीस के बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल्स के लिए इसकी टिकट है 40 रुपये, अगर आप फॉरेन नेशनल्स होंगे तो उसके लिए टिकट होगी 600 रुपये। अगर आप इसके लिए वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। ये रही टिकट, देखिए, तो ये आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप वीडियो शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला अभी, तो आपको टिकट लेनी बहुत ज़रूरी है वीडियो शूटिंग के लिए भी, या तो कर नहीं सकते आप। तो अगर आप पहले भी अगर टिकट ले लेंगे तो उसके लिए तकरीबन आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, और नॉर्मल टिकट ऐसी होगी। और पीछे देख सकते हैं वीडियो शूटिंग की टिकट भी 40 रुपीज़ में ऐसी दिखती है आपको। तो ये लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वरना जगह जगह पे आपको लोग टोकेंगे कि आपने टिकट ली है कि नहीं वीडियो शूटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, इस मॉन्यूमेंट को कहते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को कमल महल या फिर चित्रांगिनी महल भी कहा जाता है। इसे बनाया गया था सिर्फ राजकीय परिवार की रानी और महारानियों के लिए, किसमें किसी और को इजाज़त थी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आते हैं 24 पिलर। अगर आज की तारीख में देखेंगे तो ये तकरीबन 2-स्टोरी बिल्डिंग की हाइट के जितना होता है। इसे एक इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया था। ये तकरीबन 550 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसकी कारीगरी एकदम क्लीन तरीके से आप देख सकते हैं। एलिफेंट स्टेबल, यह आता है एकदम लोटस टेम्पल के पीछे ही, जैसे मैंने कहा था जनाना एनक्लोजर, उसके एकदम पीछे ही यह आता है एलिफेंट स्टेबल। यह एलिफेंट स्टेबल बनाया गया था विजयनगर के जो राजकीय हाथी होते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया था, किसी और के लिए नहीं। यहाँ पे 11 एनक्लोजर थे, हर एक एनक्लोजर में 2-2 हाथी रह सकते थे, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी एनक्लोजर में दरवाज़ा नहीं है, तो जब से ये बना हुआ था कहीं पे भी आप दरवाज़ा देख नहीं पाते थे। बस एक महुआ जाने के लिए अंदर से एक एनक्लोजर दूसरे एनक्लोजर से छोटी सी जगह होती थी, हालांकि कोई भी दरवाज़ा किसी भी एनक्लोजर में दिया नहीं गया है। अब जैसे आप अंदर जाएंगे आप छोटा सा एनक्लोजर देख पाएंगे जो अभी बंद किया गया है।
जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं हज़ार रामा टेम्पल। ये काफ़ी पुराना टेम्पल है जो डेट बैक करता था 15th century को। इसको हज़ार राम मंदिर बहुत धार्मिक भव्य मंदिर है जिसकी राजसी आंचल के अवशेषा और अनुष्ठानिक प्रसिद्ध को बीच स्थित है। विष्णु के संप्रति 15वीं शताब्दी में यह राम मंदिर द्राविड विमान प्रकार के मंदिर का एक सर्वोत्तम उदाहरण था। योजना के अनुसार इसे एक गर्भगृह एक महामंडप मंदिर की उत्तरी दिशा में अलंकृत किया गया है। मुख्य मंदिर के चारों ओर चलित 3 श्रेणियों के ऊपर छतरी पर रामायण अंकों के लिए देवी मंदिर का रामायण प्रकरण का वर्णन भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसा टेम्पल डिपिक करता है हज़ार रामा, यहाँ पे कम्प्लीटली जो भी डिपिक्शन हुई गई है रामायण को लेकर डिपिक गई है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा राम के स्टैचू आइडल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। द टेम्पल इज ऑल्सो नोन फॉर द स्कल्प्टराइज्ड फ्रीजेस डिपिक्टिंग द रामायणा इन 3 tiles रनिंग ऑल अराउंड द मेन श्राइन एंड द नेटिव स्कल्पचर्स। जैसे कि नाम क्लियरली मेंशन किया गया है हज़ार रामा टेम्पल, तो काफ़ी क्लियरली इसमें बोला गया है कि ये टेम्पल कम्प्लीट डिपिक्ट किया गया था लॉर्ड रामा के लिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि रामायण को कम्प्लीटली यहाँ पे स्टोन्स में डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही ये है हज़ार रामा टेम्पल का एंट्रेंस। जैसा कि आपने देखा यह टेंपल को उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंची नहीं है, काफ़ी इंटैक्ट रह चुका है क्योंकि इस साइड के जो जनान इंक्लोजर्स में जो टेंपल से मॉन्यूमेंट्स है उनको बचा लिया गया था ड्यूरिंग मुगल ने जब इन्वेड किया था 15th century के 16th के बाद, तो ये इंक्लोजर को काफ़ी महफूज रखा गया था, उन लोगों से बचाया गया था। तो इसके विशेष अभी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन हुए हैं कंपेरेटिवली अगर विरूपाक्ष के देखेंगे या कुछ और टेंपल के जो डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यूरिंग मुगल सी अटैक के टाइम पर। जैसा कि देख सकते हैं आपको कम्प्लीटली रामायण को ये इन मॉन्यूमेंट्स में दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं आप कम्प्लीटली जो वॉल पे जो सीन चल रहा था तो उसको यहाँ पे क्लियरली डिपिक्ट किया गया है कम्प्लीटली ये वॉल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी घोड़े या फिर युद्ध जो चल रहा है जो कम्प्लीटली क्लीन और एकदम साफ तरीके से इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है कम्प्लीटली रामायण इवेंट जो मैंने बोला था, तो इसी को यहाँ पर मैंशन किया गया है। यह है साउथ एंट्रेंस। अभी जो कॉम्प्लेक्स में हम जा रहे हैं उसे कहते हैं माँ नहमे डिब्बा। ड्यूरिंग दशहरा, जब दशहरा होता था तो जो भी ऑस्पिशियस फंक्शंस होते थे उसे यहाँ मनाया जाता था, तो इसीलिए इसका और एक नाम दिया जैसे कहते हैं दशहरा प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं आप। अभी हम जिस चीज़ को देखने आए हैं उसे कहते हैं माँ नवमी डिब्बा। राजा प्रांगण के परिवर्तन में स्थित तरातरीय पत्थर का प्लेटफॉर्म है। इसकी ऊंचाई है तकरीबन 8 meters और ये बना गया था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जब दशहरा फेस्टिवल्स हुआ करते थे उसके लिए जो भी फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ पे हुआ करता था। और इसके बारे में और एक लिखा गया कि द रेफरेंसेस की इस विजिटर्स ऑफ विजयनगर सिटी 1520 और 1442 से 1443 AD में इसका निर्माण हुआ था।
यूजुअली जो भी दसरे टाइम पे फेस्टिवल्स हुआ करते थे वो फेस्टिवल्स यहाँ पे हुआ करते थे, इसी के लिए इसको महानवमी टिब्बा, महानवमी का मतलब होता है दशहरा हिंदी में, जैसे कि देख सकते हैं आप क्लियरली। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक गुड डे, गुड नाइट।